बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वीडियो सेशन ऑफ कैंटर पब्लिशर। स्टूडेंट्स, टुडे वी विल लर्न मैथमेटिक्स 2, चैप्टर 2 एंड लेक्चर नंबर 5। फॉर दिस पर्पस यू मस्ट हैव दीज 4 बुक्स। नंबर 1 टेक्स्ट बुक फॉर ग्रेड 2, वर्क बुक, रिसोर्स पैक एंड समर पैक। हम मेन कॉन्टेंट टेक्स्ट बुक में से यूज करेंगे, वर्कबुक में से हम वो काम कंप्लीट करेंगे जो हमारे आज के लेक्चर से रेलिवेंट होगा, और रिसोर्स पैक आपके पेरेंट्स और टीचर्स की गाइडेंस के लिए है। इसमें कंप्लीट मेथोडोलॉजी दी गई है कि किस तरह उन्होंने आपको थ्रू एक्टिविटीज टीच करना है। यह हमारे कैंटर पब्लिशर की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर भी अवेलेबल है, वहां से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो समर पैक में से भी हमने वो काम कंप्लीट करना है जो आपके आज के लेक्चर से रेलेवेंट है। तो स्टूडेंट्स, लेट्स कम टू द बुक, यूनिट नंबर 2, नंबर ऑपरेशन हमने स्टार्ट किया हुआ है। इसमें हमने एडिशन का टॉपिक स्टार्ट किया था जो कि 2.1 है। एडिशन के ऊपर हमारे 4 लेक्चर्स हो चुके हैं। आज हमारा 5th लेक्चर है सब्ट्रैक्शन के ऊपर। ये टॉपिक 2.2 है एंड देन मल्टीप्लीकेशन टॉपिक नंबर 2.3 एंड टॉपिक 2.4 डिवीजन पे है। तो स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 डिजिट नंबर्स विद बोरोइंग। तो स्टूडेंट्स, हमने विदाउट बोरोइंग अपने क्लास 1 में सीख लिया था 2 डिजिट नंबर्स की सब्ट्रैक्शन। तो इसमें जो आज SLO हम लोग डिस्कस करेंगे वो ये है। SLO का मतलब होता है स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स। फर्स्ट SLO इज सब्ट्रैक्ट वंस फ्रॉम 2 डिजिट नंबर्स विद बोरोइंग। हमने ये चीज सीखनी है। वंस का मतलब होता है कि 1 डिजिट नंबर, एंड देन सब्ट्रैक्ट 2 डिजिट नंबर्स फ्रॉम 2 डिजिट नंबर्स विद बोरोइंग। विदाउट बोरोइंग हम लोगों ने प्रीवियस क्लास 1 में सीख लिया था, बट उसको हम लोग थोड़ा सा रिकैप जरूर करेंगे यहां पे। देन वी विल सॉल्व रियल लाइफ प्रॉब्लम्स ऑफ सब्ट्रैक्शन विद बोरोइंग। तो स्टूडेंट्स, आए जरा बुक की तरफ। बुक का पेज नंबर 40 ओपन करें। सब्ट्रैक्शन 2.2, सब्ट्रैक्शन क्या है? मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था जब हम लोग क्लास 1 में स्टडी कर रहे थे कि दिस इज अ प्रोसेस आर स्किल। सब्ट्रैक्शन इज अ प्रोसेस आर स्किल ऑफ टेकिंग वन नंबर आर अमाउंट अवे फ्रॉम एन अदर नंबर। हम लोग क्या करते हैं कि कुछ चीजें टेक आउट करते हैं जो गिवन चीजें होती हैं उनमें से। अब जरा इस पिक्चर को देखें। यहां पर एक बच्चा जो है वो फिशिंग कर रहा है। उस जो आपके उसके पास पाउंड है उसमें कितने फिशेज हैं चेक करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 एंड देन 8 फिश हैं। 8 के ऊपर क्रॉस क्यों लगा हुआ है? क्योंकि ये जो फिश है ये यहां से खत्म हो गई है और इसको उसने टेक आउट किया है बाहर उसके पास जो बास्केट है। तो इसका मतलब जो गिवन थिंग्स होती हैं उनमें से चीजों को टेक आउट करना सब्ट्रैक्शन होता है, जो प्रोसेस होता है। मींस कि टोटल फिश कितनी थी? 8। 8 में से 1 खत्म हो गई तो कितनी बाकी बच गई? 7। मींस के उसके लिए हम लोग सिंबल जो यूज करते हैं ये माइनस की यूज करते हैं और नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। इसका प्रोसेस मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि जो ग्रेटर नंबर होता है उतनी आप लाइंस लगाएं। यहां पर कितनी लाइंस हैं? 8 नंबर है, 8 लाइंस लगा लें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
और उसमें से आपने दूसरा वन जो है सब्ट्रैक्ट करना है, जो सब्ट्रैक्ट करना है उस उतनी लाइंस काट दें जितने नंबर्स हैं, तो वन काटे तो बाकी लाइंस कितनी बच गई, 1 2 3 4 5 6 7, तो आपके पास 7 लाइंस बाकी बच गई हैं, तो वो हम लोगों ने यहां पे राइट कर दिया। सब्ट्रैक्शन विद बोरोइंग क्या चीज है कि अगर आपके पास कुछ अमाउंट कम है या नंबर्स कम है तो आप साथ वाले से ले लेते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जिस तरह ये एग्जांपल है कि 10 बिस्किट्स हैं और 7 बिस्किट्स हैं, अगर 10 में से 7 माइनस करें तो 3 बिस्किट्स होते हैं। इसको जरा देखें, रीड करें, टुडे इज अ बिस्किट पार्टी, 2 स्टूडेंट्स आर सिलेक्टेड टू पार्टिसिपेट इन द कंपटीशन ऑफ ईटिंग द सेम नंबर ऑफ बिस्किट्स, द टीचर विल ओपन अ पैकेट पैक ऑफ बिस्किट्स कंटेनिंग 10 बिस्किट्स एंड गिव 7 बिस्किट्स टू रोजीना, नाउ ओनली 3 बिस्किट्स आर लेफ्ट, व्हाट द टीचर विल डू टू गिव 7 बिस्किट टू अहमद। अब आपने देखे कि टीचर ने क्या करना है, टीचर जो है वो 7 बिस्किट्स देती है हर स्टूडेंट्स को, मींस कि 7 उसने इसको देने हैं और 7 ही उसने इसको देने हैं, बट ईच पैकेट कंटेन 10 बिस्किट्स। उसने रोजीना को पहले 7 दे दिए और फिर उसने अहमद को बिस्किट 7 पूरे करके देने हैं। पहले पैकेट में कितने बच गए थे, 3, 7 उसने इसको दे दिए और जब 3 बच गए थे तो 7 पूरा करने के लिए वो क्या करेगी कि एक और पैकेट को ओपन करेगी और उसमें से जो है वो 4 बिस्किट लेकर 7 पूरे करने के बाद वो अहमद को 7 देगी। मींस ये किसके इक्वल होगा, 3 प्लस 4, तो 7 इसके पास हो जाएंगे और 7 ही रोजीना के पास हो जाएंगे, मींस के दोनों के पास 14 बिस्किट्स होने चाहिए। अब यहां पर देखें, शी विल टेक अ न्यू पैक ऑफ बिस्किट्स फ्रॉम हर फ्रेंड एंड गिव 4 मोर बिस्किट्स टू अहमद टू मेक हिज 7 बिस्किट्स। जो बात मैंने अभी आपको बताई कि मींस के वो 2 पैकेट्स लेगी, ये 2 पैकेट्स हैं, हर स्टूडेंट को उसने 7 बिस्किट्स देने हैं। अब उसने एक पैकेट में से रोजीना को 7 दे दिए तो बाकी जो दूसरे उसके पास पहले पैकेट में से 3 बचते थे, तो 3 में कितने बिस्किट्स और मिलाएगी कि अहमद को 7 पूरे करके दें, तो वो नया पैकेट ओपन करेगी और उसके बाद 4 उसमें से मिलाकर 7 पूरे करके अहमद को देंगी। तो अब यहां पर वही काम हुआ है, नाउ बोथ स्टूडेंट्स हैव 7 बिस्किट्स ईच, देयरफॉर व्हेन वी डू नॉट हैव सफिशिएंट वन वी कन्वर्ट 10s इनटू 1s, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बोरोइंग। द मींस जो 10s प्लेस नंबर होता है उसको हम लोग 1s में कन्वर्ट करते हैं। देखें जरा, ये बिल्कुल 10 ये था, ये 10th प्लेस था और ये 1s पे था। अब इसमें से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम लोग नंबर्स को चेंज करने के लिए क्या करेंगे, यहां से हमने बोरो करना है। इसको बोरो कैसे करना है, कौन सी मेथोडोलॉजी यूज करनी है, चलें जरा बोर्ड की तरफ चलते हैं, वहां पर मैं आपको डिटेल डिस्कशन में बताता हूं कि किस तरह आपने नंबर्स को यहां से बोरो करना है, 10th से 1s की तरफ लेके आना है और फिर आपने इस 7 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। लेट्स कम टू द बोर्ड। स्टूडेंट्स, जैसा कि अभी हम लोग सब्ट्रैक्शन के बारे में बुक में डिस्कस कर रहे थे कि हमने प्रीवियस क्लास के अंदर जो सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 डिजिट नंबर्स विदाउट बोरोइंग सीखा था, अब हम जो देखने जा रहे हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 डिजिट नंबर्स विद बोरोइंग,
कि हमने दूसरे नंबर से, अगर हमारे पास एक नंबर कम है तो दूसरी प्लेस वैल्यू से किस तरह हमने नंबर को बोरो करना है। तो उसके लिए एक चीज याद रखें कि आपको प्लेस वैल्यूज का पता है कि हम लोगों ने वंस के लिए ये सर्कल यूज किए थे, जो 10 सर्कल्स थे 1 2 3 4 5, ये मिलके आपके पास ये क्या बनाते थे, 1 star of 10s। सिमिलरली ये जो चीज थी आपके पास 10 stars, ये 10 वाले जो स्टार्स हैं, ये आपके पास 100 का रेक्टेंगल के इक्वल होते थे। तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए कि बोरो का मतलब होता है कि किसी से कोई चीज लेना, बोरो करना और फिर आगे उसको नंबर को ग्रेटर करके फिर उसमें से कोई चीज सब्ट्रैक्ट करना। तो अब यहां पर देखें, हम एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के थ्रू इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए जरा, सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट 39 फ्रॉम 83। हमने करना क्या है, मेथड आपका वही है कि आपने चूज कर क्या करना है, ग्रेटर नंबर। ग्रेटर नंबर इन दोनों नंबर्स में से कौन सा है, यहां पर फ्रॉम आ जाए तो फ्रॉम के बाद वाला नंबर ये ग्रेटर होगा, इससे जो पहले वाला नंबर है उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब जरा देखें इनका प्लेस वैल्यू चार्ट बनाते हैं वर्टिकली, इसका इस तरह प्लेस वैल्यू चार्ट बनाएं। वंस टेंस पहला नंबर कौन सा है, 83। ग्रेटर नंबर आपने ऑलवेज ऊपर राइट करना है जब आप वर्टिकली फॉर्म में इस तरह राइट कर रहे हैं, वंस और फिर 3 है आपके पास टेंस, एंड 3 टेंस है और 9 वंस है। अब यहां पर देखें कि आपके पास वंस प्लेस वाले डिजिट, देखें सेम डिजिट को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, तो अब आपके पास 3 इज लेस देन 9, हम 3 में से 9 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, हमेशा ग्रेटर नंबर से स्मॉलर नंबर सब्ट्रैक्ट होता है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वो चीज देखें जरा। यहां पर रफ साइड पे आपने इस तरह का एक और प्लेस वैल्यू चार्ट बना लेना है, वंस एंड देन टेंस। अब ग्रेटर नंबर कौन सा है, 83। आपके पास 3 सर्कल्स हैं ऑफ वंस एंड स्टार्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टार्स हैं 83। हर जो स्टार है वो 10 के इक्वल होते हैं, 10 सर्कल्स के, ये 10s पे लाए कर रहे हैं आपके पास ये जो स्टार्स हैं। अब मेरे पास 3 हैं, जबकि मैंने कैंसिल कितने करने हैं, 9। तो 9 कैंसिल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो ये जो फेस है 10th वाली, यहां से मुझे बोरो करना पड़ेगा। जब मैं यहां से बोरो करूंगा इसको इसकी तरफ लेके आऊंगा, मूव करूंगा, तो मेरे पास क्या चीज बनेगी, मैं जब बोरो करूंगा तो इसका मतलब है कि ये जो चीज है ये 1 स्टार है किसके इक्वल है,
10 सर्कल्स के, क्योंकि यहां पर वंस है तो यहां पर सिर्फ सर्कल्स ड्रॉ हो सकते हैं, तो मैं यहां पर क्या करूंगा, सर्कल्स ड्रॉ करूंगा। देखिए जरा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 1, 1, 1, 1। तो ये जो आपके पास चीज बनती है, ये आपके पास सर्कल्स बनते हैं ऑफ वंस। ये किसके इक्वल होते हैं? ये इसके इक्वल होते हैं, वन स्टार। हम यहां से वन स्टार मींस के वन लेस करेंगे टेंथ में से, और यहां पर कितने बन जाएंगे, 10 सर्कल्स। जब ये 10 सर्कल्स बन जाएंगे, 10 प्लस ये 3, स्टूडेंट्स 10 प्लस ये 3, तो आपके पास ये कितने बन गए, टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। अब जो 13 है, दिस इज ग्रेटर देन 9। अब हम लोग 13 में से 9 सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे कि हम लोगों ने ये 9 जो है यहां से कैंसिल कर देने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो हमारे पास जो बाकी बचते हैं उनको हम लोग नीचे ड्रॉ कर देंगे, वो कितने बनते हैं, 1, 2, 3, 4, ये आपके पास बाकी बच गए, जो यहां पर कैंसिल कर दिए, बाकी ये चीज बच गई 4। अब यहां पर ये लेस हो गया था क्योंकि हमने इस साइड से इधर की तरफ 10 से 1 की तरफ मूव कर दिया था, तो बाकी जो हमारे पास स्टार्स कितने बचे थे, वो 7 बचे थे। ये अब इन 7 में से ये जो 7 है वो ग्रेटर देन है 3 से, तो हम यहां पर भी कैंसलेशन कर सकते हैं। सो हम यहां पर 3 जो स्टार्स हैं इनको कैंसल आउट कर देंगे, तो बाकी जो बचते हैं हमारे पास, क्योंकि ये जो सर्कल मैंने किया हुआ है स्टार, इसको तो आपने कंसीडर नहीं करना क्योंकि हमने दूसरी साइड पर मूव कर दिया था। अब यहां पर जो चीज हमारे पास बचती है वो 1, 2, 3, 4 मींस 4 स्टार्स आपके पास बाकी बच जाते हैं, वो हमने इधर नीचे ड्रॉ कर दिए। तो ये आपके पास रिजल्ट वाला पोर्शन बन गया। जब मैं इसी को बिहाइंड द सीन जो स्टोरी चलती है वो ये है, ये वही सर्कल्स हैं जो हमने ग्रेड 1 में भी सीखे थे, प्लेस वैल्यूज में, 2 में भी सीखे, और उसको फर्दर रैंडमली हम लोग आगे के इस तरफ मूव करते जा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। अब इनको आपने याद रखना है। अब यहां पर क्या चीज है, 13 है, मींस के आपने ऑलवेज सेम प्लेसेस वाले डिजिट्स को सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो यहां पर क्या है, 13 बने थे, मींस जब आपने यहां से 1 ले लिया था, इस साइड की तरफ मूव किया था, तो आपके पास ये 10 था, 10 आपने इधर मूव किया, ये 10 मूव किया था, इस 10 में 3 ऐड किए तो आपके पास क्या चीज बनी, 13। ये अब इस 13 में से 9 माइनस किए थे तो आपके पास, मींस के जब आपने इस तरह ये वाला काम कर रहे हैं, ये चीज आपने रफ में करनी है, ये वाला आपने नोटबुक के ऊपर काम कर रहे हैं, तो उस वक्त ये चीज कर लें, और उसमें साथ आप लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, मींस 13 लाइंस ड्रॉ करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। देखिए जरा, 13 में से 9 कैंसिल कर दें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो बाकी कितनी बच जाती है आपके पास, 4, वो नंबर इधर राइट कर दें। तो यहां पर हमने 1 यहां से दूसरी तरफ मूव किया था, 1 टेंस, तो यहां पर आपके पास 7 बच जाता था, 7 माइनस 3 करेंगे, अगेन 7 लाइंस लगाएं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसमें से 3 सब्ट्रैक्ट कर दें, तो अगेन कितनी बच गई आपके पास, 5।
4। तो स्टूडेंट्स ये रिजल्ट आपके पास इस तरह कंप्लीट होता है विद बोरोइंग हम लोग इस तरह सब्ट्रैक्शन करते हैं। हेंस -39 = 44। ये मेथड आपने अडॉप्ट करना है जब आप एग्जांपल्स या फिर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो। तो स्टूडेंट्स अब देखते हैं इनके इनसे रेलेवेंट जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे करते हैं। अगर आपके पास सिंगल डिजिट नंबर हो, सपोज यहां पर सिर्फ 9 गिवन हो, 83 फ्रॉम 9, प्रोसीजर वही है, इसको छोड़ देंगे आप, इस नंबर को 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहां पर 7 रह जाएगा, इसको एज इट इज राइट कर देंगे 7 आ जाएगा और यहां पर 4 एज इट इज आ जाएगा। जब आप सिर्फ वंस को 2 डिजिट नंबर से 1 डिजिट नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जब 2 डिजिट नंबर से आप 2 डिजिट को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उस वक्त आपके पास यह चीज बन जाती है जो अभी हमने किया है। चलिए जरा एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल जो वर्ड प्रॉब्लम के लिए वही मेथोडोलॉजी यूज करनी है जो मैंने आपको बताई हुई है कि 4 स्टेप में वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स आपके पास कोई भी वर्ड प्रॉब्लम हो उनको 4 स्टेप्स में सॉल्व करते हैं। देखिए जरा फर्स्ट स्टेप क्या होगा आपके पास, रीडिंग, प्लानिंग, सॉल्यूशन एंड देन चेक। यहां पर देखें ये वर्ड प्रॉब्लम है, स्टेटमेंट क्या है, देयर आर 47 स्टूडेंट्स इन अ क्लास। एक क्लास में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 47। आपने ये पहला स्टेप आपने गौर से देखना है, 47 स्टूडेंट्स इन अ क्लास आपके पास, ये पहला ब्रेकअप मींस के इतना आपके पास स्टेप आ गया। 29 ऑफ देम आर गर्ल्स मीन्स जितने स्टूडेंट्स हैं टोटल जितने स्टूडेंट्स हैं उनमें से 29 गर्ल्स हैं, ये सेकंड स्टेप है। थर्ड पे व्हाट यू नीड टू फाइंड, हाउ मेनी बॉयज आर इन द क्लास, आपने देखना है कि बॉयज कितने हैं। क्या करेंगे, गिवन फैक्ट्स राइट करेंगे, गिवन फैक्ट्स कौन से हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास वो कितने हैं, 47। यहां पर स्टूडेंट्स ये 47 स्टूडेंट्स हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट्स 29। आपने फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ बॉयज,
ये आपने फाइंड करना है। उनको फाइंड करने के लिए हमें क्या चीज चाहिए? आपके पास ग्रेटर नंबर है, ये गिवन है, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दें। मेथोडोलॉजी क्या है? वही अडॉप्ट करनी है कि आपने प्लेस वैल्यू चार्ट ड्रॉ करें, सिंपली वंस टेंस ग्रेटर नंबर ये 47 माइनस 29। अब चेक करें जरा, ये वंस में से सब्ट्रैक्ट करें, 7 इज लेस देन 9, देन व्हाट वी नीड टू डू? अब हमने क्या करना है, 4 है, यहां से 1 हम लोग इधर बोरो करेंगे। जब 1 इधर बोरो करेंगे, यहां पर आकर 10 बन गया, इस 10 में 7 प्लस किया तो आपके पास 17 बन गया। अब ये जो 17 है, 17 में से 9 सब्ट्रैक्ट करना है, सो 17 इज ग्रेटर देन 9, और यहां पर बाकी कितना बच जाता था, यहां पर 3 रह जाता था, और ये जो 3 रह जाता था आपके पास, इसको इस कॉर्नर पे राइट कर दें, तो आपके पास 17 माइनस 9 कितने हो गए, 17 लाइंस लगा लें, उनमें से 9 कैंसिल कर दें, 17 लगानी है, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बाकी कैंसिल करें, बाकी कितनी बच जाती है, 1 2 3 4 5 6 7 8, आपके पास बाकी जो लाइंस बचती हैं वो 8 है, तो इनको यहां पर 8 नंबर राइट कर दें। सिमिलरली 3 माइनस 2, अब टेंस को सब्ट्रैक्ट करें, 3 क्यों, क्योंकि हमने 1 उधर मूव किया था, तो आपके पास ये 1 आ जाता है, तो आपके पास कितना बना आंसर, 18। हेंस देयर आर 18 बॉयज इन द क्लास, ये आपके पास रिजल्ट आ गया। मेथोडोलॉजी वही यूज करनी है। अब आप चेक करें, चेक कैसे करेंगे, सिंपल मींस के 29 कितने हैं, बॉयज हैं, सॉरी 29 गर्ल्स हैं और 18 बॉयज हैं, दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आने चाहिए, करके देख लें। चेक, ये चेक वाला पोर्शन अपने पास रखना है, क्योंकि आपको पता चल जाता है कि आपका क्वेश्चन आंसर करेक्ट है या इनकरेक्ट। मींस 29 प्लस 18, ये हमने एडिशन सीखी हुई है, 9 प्लस 8 कितने हो गए, 17, 1 इधर कैरी हुआ, 2 प्लस 1 प्लस 1 4, तो 47 स्टूडेंट्स आ गए, सो योर क्वेश्चन आंसर इज करेक्ट। तो स्टूडेंट्स, इसी तरह आपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने हैं, इसी तरह आपने एग्जांपल्स करनी है। लेट्स कम टू द बुक। तो स्टूडेंट्स, जिस तरह आपने बोरो करके नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना सीखा, चलें उससे रेलेवेंट हम लोग एग्जांपल्स करते हैं। मेथोडोलॉजी मैंने आपको बताई थी कि बिहाइंड द सीन इस तरह वर्क कर रही होती है चीजें, जिस तरह ये प्लेस वैल्यू चार्ट के ऊपर है, बट आपने कौन सा पोर्शन कंप्लीट करना है, सिर्फ ये आपने नोटबुक के ऊपर राइट करना है, अपने रफ साइड के ऊपर आपने ये प्लेस वैल्यू चार्ट्स बनाने हैं। देखें जरा इंस्ट्रक्शन क्या है, एग्जांपल 10 सब्ट्रैक्ट 7 फ्रॉम 20, मींस के आपने 20 में से 7 सब्ट्रैक्ट करने हैं, ये 1 डिजिट नंबर है, ये 2 डिजिट नंबर है। अब आप देखें कि ये जो आप सिर्फ वंस में से वंस को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, टेंस में से वंस को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ये चीज याद रखनी है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जीरो है, जीरो जो है, जीरो इज लेस देन 7, सो व्हाट वी नीड टू डू, हम लोगों ने टेंस में से मूव करना है, 110 हम दूसरी साइड पे मूव करेंगे, जब हमने 110 मूव किया तो यहां पर आके 10 बन गया, नंबर 10, नंबर 10 का मतलब वही है जो हम लोगों ने ये काम किया था प्लेस वैल्यू चार्ट के अंदर। ये देखें जरा, आपके पास 10 इधर मूव हो गया और जो वंस प्लेस के ऊपर डिजिट था उसको उस 10 में ऐड किया, तो वो 10 प्लस 0 कितना हो गया, मींस
10 प्लस 0 इक्वल टू 10 ही बन रहता है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब ये 10 में से 7 को माइनस करेंगे। ये 10 आपने प्लेस वैल्यू चार्ट के ऊपर ड्रॉ कर लिए थे, तो उसमें से आपने 7 वंस कैंसिल कर दिए, जिस तरह ये कटे हुए हैं 7 वंस कैंसिल कर दिए, बाकी कितने बचे, ये 3, इन 3 को नीचे ड्रॉ कर दिया। तो और इन नंबर्स में हमने यहां पे राइट कर दिया, क्योंकि 110 हम लोग वंस की तरफ मूव कर चुके हैं, इसलिए यहां पर क्या बचा था, 2 माइनस 1 इक्वल टू 1 बचा था, वो उसको हमने सर्कल कर लिया और 1 को नीचे एज इट इज लेके अगर आ गए, तो इस तरह हमारे पास 13 नंबर बचा, आंसर आ गया। मींस 10 वंस माइनस 7 वंस इक्वल टू 3 वंस, राइट टेंस, बाकी जो 1 टेंस बचता था उसको राइट कर दिया, हेंस 20 माइनस 7 इक्वल टू 13। सिमिलरली वी कैन परफॉर्म सब्ट्रैक्शन ऑफ अ 2 डिजिट नंबर फ्रॉम अ 2 डिजिट नंबर। देखें जरा विद बोरोइंग, ये 52 है, 52 में से 59 सब्ट्रैक्ट करना है, मींस फाइंड द डिफरेंस बिटवीन, ग्रेटर नंबर कौन सा है, ये स्मॉलर नंबर कौन सा है, 19। अब आपने वंस टेंस 100 इसी तरह राइट कर देना है, और ग्रेटर नंबर ऊपर राइट करना है वर्टिकल फॉर्म में और स्मॉलर नीचे राइट कर देना है। अब देखें वंस में से वंस को आपने सब्ट्रैक्ट करना है, सो 2 इज लेस देन 9, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें टेंस में से वंस की तरफ एक टेंस लेके जाना पड़ेगा, मूव करना पड़ेगा, जिस तरह ये किया हुआ है, ये देखिए मूव हुआ हुआ है प्लेस वैल्यू चार्ट में, ये पूरा 10 हमने एक ग्रुप इधर मूव कर दिया। आपको पता है ये जो चीज है ये इक्वल होती है, ये हमने ये ग्रुप इधर लिख लिया। अब वंस के जो सर्कल है ये टोटल मिला के कितने बने थे, 2 प्लस 10 कितना बन गया, 12, क्योंकि हमने 10 उधर से मूव किया था ना, ये 10 मूव किया प्लस 2 किया तो आपके पास 12 बन गया। अब 12 इस सर्कल में ऊपर राइट कर दिया, तो आपके पास क्या चीज बनी, अब 12 माइनस 9 करेंगे, 9 आपने सर्कल्स खत्म कर देने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये खत्म किए, बाकी कितने बच गए, 3 इधर ड्रॉ कर दिए और नंबर्स में इधर राइट कर दिया। अब 1 आपके पास टेंस दूसरी साइड पे मूव हो गया था, तो इसलिए आपके पास टेंस प्लेस के ऊपर 4 बचा, 4 में से 1 माइनस किया तो आपके पास 3 आ गया। सो देखें 12 वंस माइनस 9 वंस इक्वल टू 3 वंस, 4 टेंस माइनस 1 10 इक्वल टू 3 टेंस, हेंस 59 माइनस 19 इक्वल टू 33। ये बिल्कुल वैसे ही है जिस तरह हमने सब्ट्रैक्शन बोर्ड पे परफॉर्म की थी। तो स्टूडेंट्स ये क्या है, ये टीचर नोट है, ये आपके लिए नहीं है, लेकिन आपने देख लेना है और बिल्कुल वैसे ही गाइड आपने करना है क्वेश्चंस को जिस तरह मैंने अभी आपको बोर्ड पे काम सिखाया है। नाउ स्टूडेंट्स कम टू द नेक्स्ट पेज। अब यहां पर देखें एग्जाम्पल नंबर 12 है, देयर आर वर्ड प्रॉब्लम मैंने सॉल्व करनी है, आपको बताई है कि किस तरह सॉल्व की जाती हैं, आपने वही मेथड परफॉर्म करना है, 4 स्टेप्स, रीडिंग, प्लानिंग, सॉल्यूशन एंड देन चेक। सबसे पहला स्टेप क्या है, रीड करना है क्वेश्चन के स्टेटमेंट को अगेन एंड अगेन अंटिल यू अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट। देयर आर 35 स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम, 19 ऑफ देम आर गर्ल्स एंड रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर बॉयज। वो कह रहे हैं कि टोटल स्टूडेंट्स जो हैं वो 35 हैं, उनमें से गर्ल्स जो हैं वो 19 हैं, बाकी जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो बॉयज हैं। Then how many boys are in the classroom? आपने यह बताना है कि boys classroom में कितने हैं।
तो स्टूडेंट्स अब यहां पर देखें, आपने प्लानिंग में क्या करना है, जो चीजें गिवन है वो राइट करनी है पहले। टोटल स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम इक्वल टू 35, हाउ मेनी स्टूडेंट्स दैट आर गर्ल्स मींस नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम इक्वल टू 19। अब मैं कौन सा प्रोसेस करूंगा कि मैं नंबर ऑफ बॉयज को फाइंड कर सकूं, तो उसके लिए वही मेथोडोलॉजी कि आपने नंबर्स को वर्टिकली फॉर्म में राइट करना है, ग्रेटर नंबर को ऊपर राइट कर दें, स्मॉलर को नीचे राइट करें। और अब 5 जो है इज लेस देन 9, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो 10th में से हम लोगों को कैरी करना पड़ेगा। हमने जब 10 कैरी किया तो 10 प्लस 5 किया तो आपके पास 15 बन गया। अब 15 को सर्कल में राइट किया, 15 में से 9 माइनस किए। माइनस करने का मैंने मेथड आपको बताया हुआ है, या प्लेस वैल्यू चार्ट कर लें या उतनी लाइंस लगा लें। मींस लाइंस लगाएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 में से 9 लाइंस काट दें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 लाइंस मैंने खत्म कर दी। बाकी कितनी बची, 1 2 3 4 5 6, उतना नंबर यहां पर राइट कर दें, दैट्स इट। अब 2 में से 1 माइनस किया तो 16, सो हेंस द देयर आर 16 बॉयज इन द क्लासरूम। इसी तरह आपने वर्ड प्रॉब्लम्स को कंप्लीट करना है। तो स्टूडेंट्स अब आ जाए एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 2B पेज नंबर 47। आपने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करना है जिस तरह एग्जांपल्स किए हैं। देखें जरा, ये पहला क्वेश्चन है, 3 जो है ये नंबर आपने वंस प्लेस वाला चेक करना है पहले, 3 इज ग्रेटर देन 2, सो 2 कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3, सो 3 माइनस 2 इज 1 और 2 एज इट इज आ जाएगा, तो 21 आंसर आ गया। अब इसी तरह आपने 1 ये कल कंप्लीट कर लेना है, सी डी एंड जे पार्ट तक आपने कंप्लीट करने हैं। बोरो करने का आपको मेथड पता है कि किस तरह बोरो किया जाता है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें देखें ये वर्ड प्रॉब्लम है, रीदा इज 40 मंथ्स ओल्ड गर्ल, उसकी एज कितनी है 40 मंथ्स, हर यंगर सिस्टर इज 20 मंथ्स ओल्ड, उसकी जो छोटी बहन है उसकी एज है 20 मंथ्स, हाउ मेनी मंथ्स रीदा इज ओल्डर देन सिस्टर। आपने ये चेक करना है कि रीदा की कि कितने मंथ्स वो ओल्ड है, सिंपली यू कैन सब्ट्रैक्ट फ्रॉम ग्रेटर स्मॉलर नंबर फ्रॉम ग्रेटर नंबर। तो स्टूडेंट्स जरा अब वर्कबुक की तरफ आते हैं। आपने वर्कबुक का काम वर्कबुक के ऊपर ही कंप्लीट करना है। देखें जरा, ये एक एग्जांपल नंबर 1 है पेज नंबर 35 के ऊपर। करना क्या है, काउंट एंड राइट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन योर क्लास। यहां पर आपने अपनी क्लास के टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहां पर राइट करने हैं, एंड देन काउंट एंड राइट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 1, क्लास 1 के टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहां पे राइट करने हैं, फिर जो नंबर ग्रेटर होगा उसमें से स्मॉलर को सब्ट्रैक्ट कर देना है, हाउ मेनी लेस आर मोर स्टूडेंट्स इन योर क्लास देन क्लास 1, ये आपने इसका रिजल्ट यहां पर लिखना है। और ये काम कंप्लीट होने के बाद दोनों बुक्स जो है स्टूडेंट्स आपने अपने टीचर को चेक होने के लिए भिजवानी है। स्टूडेंट्स आज हमने क्या पढ़ा, क्या सीखा, जरा इसको रिवाइज करते हैं। स्टूडेंट्स हमने सब्ट्रैक्शन ऑफ 2-डिजिट नंबर्स विद बोरोइंग सीखी, उसमें ये एसएलओस हमने डिस्कस किए, सब्ट्रैक्ट वंस 1-डिजिट नंबर फ्रॉम अ 2-डिजिट नंबर एंड देन सब्ट्रैक्ट 2-डिजिट नंबर फ्रॉम अ 2-डिजिट नंबर विद बोरोइंग, एंड देन वी सॉल्व रियल लाइफ प्रॉब्लम ऑफ सब्ट्रैक्शन विद बोरोइंग। स्टूडेंट्स होप सो कि आपने आज के टॉपिक को अंडरस्टैंड किया होगा। अगर कोई आपके क्वेश्चंस हैं या कोई सजेशन है, किसी पॉइंट पे आपको समझ नहीं आई, यू कैन राइट अस एट mathematics@kentuckpublisher.com। थैंक यू वेरी मच, इंशाल्लाह वी विल सी इन आवर नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज़।